बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास वन टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ यूनिट एलेवन दैट इज़ अबाउट एडजेक्टिव्स सो व्हाट वर एडजेक्टिव्स हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आपके नाउन के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करता है दैट बेसिकली टेल्स यू समथिंग अबाउट योर नाउन फ़ॉर एक्ज़ाम्पल शर्ट दिस इज माई शर्ट फॉर एग्जाम्पल ठीक है अब दिस इज माई शर्ट और दिस इज माई ब्लू शर्ट नाउ ब्लू शर्ट आपका क्या है नाउन है एंड ब्लू इज़ टेलिंग यू समथिंग अबाउट द नाउन ब्लू क्या बता रहा है कि शर्ट आपकी किस कलर की है ना ब्लू कलर की है सो इट इज एडिंग समथिंग टू योर नाउन सो एनी वर्ड दैट एड समथिंग टू योर नाउन इज़ कॉल्ड एंड adjective ठीक है for example a heavy boy now a boy boy क्या है इसमें boy is a noun and heavy heavy क्या बता रहा है कि लड़के के बारे में बता रहा है कि लड़का कैसा है मोटा है भारी है so basically it is adding heavy is adding some information about your noun ठीक है so it is going to be called as adjective Similarly a thin girl. Now girl क्या है? Girl is a noun. Now girl अब कैसी है girl? Girl is thin. So thin is adding something to your noun. So it is called adjective. Similarly a fierce dog. Fierce का मतलब है खौफनाक, डरावना ठीक है जिसको देखकर डर लगता हो. अब इसमें noun क्या है? Dog. Dog is a noun. और डॉग कैसा है फीयर्स है खौफनाक है तो आपको डॉग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है फीयर्स से सो फीयर्स इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव सो सिमिलरली दीज वर्ड्स हैवी थिन फीयर्स एंड राउंड टेल्स अस टेल अस मोर अबाउट पीपल एनिमल प्लेसेस एंड थिंग्स ठीक है so these words are called the adjectives and an adjective is a word used to describe people, animal, place and thing. नाउन हमारे पास क्या था हम नाउन की क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग ठीक है या फिर नाउन जो है वो नेमिंग नेमिंग वर्ड को जो है हम नाउन कहते हैं किसी भी चीज़ का नाम जगह का जानवर का नाम किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं ठीक है ठीके? तो एडजेक्टिव क्या है कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके नाउन के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव लेट्स गो थ्रू दीज एग्ज़ाम्पल्स द children do नाट लाइक द ऑरेंजेस अब आप यहाँ पर देखें इस सेंटेंस में आपके पास क्या क्या नाउन है एक चिल्ड्रन भी नाउन है और ऑरेंजेस भी नाउन है ठीक है द चिल्ड्रन डू नाट लाइक द सॉर ऑरेंजेस अब देखें सॉर किसे होता है खट्टे खट्टे को कहते हैं तो ऑरेंजेस जो हैं किस तरह के हैं सौर हैं तो वो एक आ, जो सौर है वो बेसिकली क्या बता रहा है आपको आपके नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि आपके ऑरेंजेस की क्या क्वालिटी है कि वो खट्टे हैं तो सौर इज़ गोइंग टू बी योर एड्जेक्टिव सिमिलरली द टीचर पनिश द स्टूडेंट अब इस इस सेंटेंस में देखें टीचर और स्टूडेंट ये दोनों हमारे पास क्या हैं नाउन हैं ठीक है नेक्स्ट में देखें द एंग्री टीचर पनिश द नॉटी स्टूडेंट अब टीचर कैसी है एंग्री है ग़ुस्से में है और वो पनिश कर रही हैं स्टूडेंट्स को कौन से स्टूडेंट्स को नोटी स्टूडेंट्स को सो एंग्री एंड नोटी बोथ आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एडजेक्टिव क्योंकि ये टीचर के और स्टूडेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल इज द मैन वॉक्स अप द स्टेयर्स ठीक है अब इसमें मैन और स्टेयर्स जो हैं वो दोनों क्या हैं नाउन हैं द ओल्ड मैन अब मैन कैसा है आदमी कैसा है ओल्ड है बूढ़ा है वॉक्स अप द स्टीप स्टेयर्स तिरछी स्टेयर्स पे यानी कि बिल्कुल जो सीधी सीधी थोड़ी मतलब जिन जो इंक्लाइन इन, तो नहीं होती ना जिस तरह सीढ़ियाँ हमारी यूं टेढ़ी होती है ना तो जित इस ये बिल्कुल अगर थोड़ी सी सीढ़ी इसे सीधी सीधी हो तो उसको हम स्टीप बोलते हैं ठीक है तो अब सीढ़ियाँ कैसी हैं स्टीप हैं तो सीढ़ियों के बारे में आपको स्टीप जो है वो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है सो दिस इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एडजेक्टिव सिमिलरली दिस रूम बिलोंग्स टू द गर्ल अब यहाँ पर नाउन क्या है रूम और गर्ल ऐसा ही है ना ठीक है so, सो अब देखिए द बिग रूम अब रूम नाउन है और रूम कैसा है बिग है ठीक है बिलोंग्स टू द यंग गर्ल अब लड़की है लड़की कैसी है यंग है जवान है ठीक है सो बिग एंड यंग इज गोइंग टू बी योर एजेक्टिव Okay, so you have to go through these examples by yourself to have the complete understanding of your adjective. And this was the definition of adjective. Any word which adds meaning to the noun is called your adjective. So this is all for today. Uh, you have to read these examples out carefully in order to have a complete understanding of adjective. This is all for today. Allah Hafiz.